हेलो फ्रेंड्स दिस इज सी अतुल मित्तल ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आइस फिल्म एग्जाम फ्रेंड्स देखिए अभी की रिसेंट की न्यूज है कि जी एच डब्ल्यू इन्फ्रा है उसने 400 मिलियन यूएस डॉलर रेज किए हैं थ्रू सिक्योर्ड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड तो देखिए फ्रेंड्स सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड क्या है इसकी काफ़ी न्यूज आ रही है और भी आप देखोगे एल एंड क्यू ने भी इश्यू किए हैं इंडोरामा वेंचर ने भी किए हैं जी ने भी किए हैं तो देखिए काफी सारी न्यूज आ रही है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड की तो आज हम ये देखते हैं सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड क्या है ये फर्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन देखिए जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड इश्यू करते हैं तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन गाइडलाइन इश्यू करता है तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिंग स्विटरलैंड में है और ये गाइडलाइन इश्यू करता है बॉन्ड के लिए काफी सारे जो कैपिटल मार्केट में इंडिया में लोग हैं वो इसके मेंबर में अब हम देखते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस देखिए सस्टेनेबल फाइनेंस क्या होता है कि जब भी हम कोई फाइनेंस करते हैं तो एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट को देखते हैं कि जो फाइनेंस हम कर रहे हैं वो एनवायरमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में जा रहा है सोशल प्रोजेक्ट्स में जा रहा है उसको हम कंसीडर करते हैं देखिए पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में इसी तरह यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो सब जगह ये चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में या सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए पैसा चाहिए तो सारी जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए लोन दे रहे हैं सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे रहे हैं ग्रीन फाइनेंस के लिए लोन दे रहे हैं तो ये सारे सस्टेनेबल फाइनेंस में आते हैं अब देखिए जो सस्टेनेबल फाइनेंस में बॉन्ड आते हैं चार तरह के बॉन्ड होते हैं एक तो ग्रीन बॉन्ड पैसा जो है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगेगा सोशल बॉन्ड पैसा जो है जो आप पैसा मनी रेज करोगे बॉन्ड से वो सोशल प्रोजेक्ट्स में लगेगा सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जो आप पैसा मनी रेज करोगे थ्रू इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड वो ग्रीन और सोशल दोनों में लगेगा और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड ये एक नया कंसेप्ट है इसको आज हम समझते हैं सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड क्या है तो देखिए फ्रेंड्स ये जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन है ये इन चारों बॉन्ड के लिए गाइडलाइन या प्रिंसिपल रिलीज करती है जैसे ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल सोशल बॉन्ड प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड गाइडलाइन सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड गाइडलाइन तो ये सारी क्या है गाइडलाइन इश्यू करती है अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन बॉन्ड आपने देखा ग्रीन बॉन्ड भी देखा होगा ग्रीन बॉन्ड और नॉर्मल बॉन्ड में डिफरेंस ये है कि जो ग्रीन बॉन्ड से पैसा आएगा उस पैसे का यूज जो होगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में होगा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ने इंडिकेटिव लिस्ट दी है कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी हो गए एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी स्टोरेज पॉल्यूशन प्रिवेंशन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनेजमेंट इसी तरह क्लाइमेट चेंज एडेपन सस्टेनेबल वाटर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन तो ये सर्कुलर इकोनॉमी अडेप्टेड प्रोडक्ट ये सारे क्या है ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए आप जो बॉन्ड इश्यू करोगे वो ग्रीन बॉन्ड डेफिनेशन में आएगा दूसरा है सोशल बॉन्ड सोशल बॉन्ड का मतलब है कि जो मनी रेज आप करोगे उसका यूज किस में होगा सोशल प्रोजेक्ट्स में होगा सोशल प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस हेल्थ एजुकेशन अफोर्डेबल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सीवर सैनिटेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये सोशल बॉन्ड है देखिए ग्रीन बॉन्ड सोशल बॉन्ड 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 होते हैं चाहे रेगुलर बॉन्ड हो चाहे ग्रीन बॉन्ड हो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है रेगुलर बॉन्ड का पैसा आप कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो ग्रीन बॉन्ड का पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट्स में यूज होगा सोशल बॉन्ड का पैसा सोशल प्रोजेक्ट्स में यूज होगा और तीसरा आता है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड क्या है कि आप इस पैसे को ग्रीन प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो एंड सोशल प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो अभी हमने लिस्ट बताई थी ग्रीन और सोशल प्रोजेक्ट्स की इसका ये कहना है कि सर्टेन सोशल प्रोजेक्ट्स मे आल्सो हैव एनवायरमेंटल को बेनिफिट सिमिलरली ग्रीन प्रोजेक्ट में सोशल को बेनिफिट यानी कि कुछ प्रोजेक्ट जो आप सोशल प्रोजेक्ट्स चला रहे हो उनके एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के सोशल बेनिफिट है तो सो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड आप इश्यू करते हो इसका मतलब जो भी पैसा आप रेज करोगे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकते हो और सोशल प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकते हो अब फोर्थ टाइप के आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड डेफिनेशन अभी तक ये तीनों जो बॉन्ड थे ग्रीन सोशल और सस्टेनेबिलिटी ये तीनों बॉन्ड का पैसा आपको उसी पर्पज में यूज करना है जिस पर्पज के लिए आपने बॉन्ड इश्यू की है अब बहुत सारी क्या है कंपनी होती हैं उनका क्या है कोई उनके सोशल प्रोजेक्ट्स नहीं है कोई उनके ग्रीन प्रोजेक्ट्स नहीं है बट उनको बिजनेस के लिए लोन चाहिए लेकिन वो क्या है वो काफी सारे क्या है जैसे कार्बन एमिशन करते हैं जैसे स्टील इंडस्ट्री है तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जीएसडब्ल्यू स्टील का जैसे ये देखिए जीएसडब्ल्यू स्टील है इसने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड रिलीज किए अब इसका क्या है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में क्या होता है कि आप इस मनी का यूज किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हो आपको ऐसा नहीं है कि इस पैसे का यूज आपको ग्रीन प्रोजेक्ट्स में करना है सोशल प्रोजेक्ट्स में करना है तो इसमें क्या होता है कंपनी अपने टारगेट डिसाइड करती है कि हमारे कोई ग्रीन प्रोजेक्ट्स नहीं है सोशल प्रोजेक्ट्स नहीं है बट हम टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी से जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे तो इसमें क्या होता है के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस टारगेट होते हैं कंपनी कहती है हम इनको कम करेंगे जैसे जीएसडब्ल्यू स्टील ने जीएसडब्ल्यू स्टील ने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क इश्यू किया था सितंबर 2021 में ट्वेंटी बॉन्ड रिलीज किए थे और देखिए आईसीएमए की जून 2020 गाइडलाइन थी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन उनको उन्होंने फॉलो किया था तो इन्होंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर था इनका सीओ टू कि हम सीओ टू हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है और हमारा सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस टारगेट है कि 2020 में से टू थाउजेंड थर्टी तक हम अपना सीओ टू एमिशन जो है वो ट्वेंटी थ्री परसेंट से रिड्यूस करेंगे यानी जो पैसा है पैसा हम बिजनेस में लगाएंगे जनरल पर्पज के लिए लगाएंगे कोई ग्रीन फाइनेंसिंग में पैसा नहीं लग रहा है कोई सोशल फाइनेंसिंग में नहीं लग रहा है लेकिन हम अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे ट्वेंटी थ्री परसेंट से अब इस बॉन्ड में क्या होता है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में अगर आप टारगेट को अचीव नहीं करते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उन्होंने कहा वन टाइम कूपन स्टेप अप ऑफ थर्टी सेवन पॉइंट फाइव बीपीएस हंड्रेड बीपीएस कितना होता है वन परसेंट होता है तो अगर हम टू थाउजेंड थर्टी तक कार्बन से कम नहीं कर पाएंगे तो हमारी इंटरेस्ट रेट कितनी बढ़ जाएगी थर्टी सेवन पॉइंट फाइव बीपीएस बढ़ जाएगी तो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में शुरू के जो तीन बॉन्ड थे उसमें पैसे को इसी पर्पज के लिए यूज करना है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में आप पैसे को जनरल पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हो तो ये उन कंपनियों के लिए बेनिफिट होता है जिन कंपनियों के कोई ग्रीन प्रोजेक्ट्स नहीं है कोई सोशल प्रोजेक्ट्स नहीं है लेकिन वो एनवायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं तो इस बेस पर ये ये बॉन्ड इश्यू करते हैं अब देखिए क्लाइमेट फाइनेंस के जो बॉन्ड है इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बॉन्ड जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पर आपको मनी मिल जाती है रेगुलर आप बॉन्ड यूज करोगे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी और सस्टेनेबल फाइनेंस के बॉन्ड पर आपको कम इंटरेस्ट देनी पड़ेगी सस्टेनेबल बॉन्ड इनसाइट अगर हम डिटेल देखें टू थाउजेंड ट्वेंटी का मार्केट रिव्यू एक मैगजीन है सस्टेनेबल बॉन्ड इनसाइट इसका हम देखें तो टू थाउजेंड ट्वेंटी में टोटल जो बॉन्ड इश्यू हुए थे सस्टेनेबल बॉन्ड सिक्स हंड्रेड एट बिलियन यूएस डॉलर के हुए थे जिसमें सबसे ज्यादा ग्रीन बॉन्ड इश्यू हुए थे सेकेंड नंबर पर सोशल बॉन्ड थर्ड पर है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड और देन सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड तो देखिए ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट है अभी सबसे कम सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड यूज हुए इस रिलीज सॉरी रेज हुए और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड टॉप टेन बिगेस्ट इश्यू टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो यूरोपियन बैंक यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज्यादा बॉन्ड इश्यू किए तो थैंक यू फ्रेंड्स प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड ये देखिए चारों बॉन्ड न्यूज़पेपर में आते रहते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं चारों बॉन्ड क्या है ये चारों सस्टेनेबल फाइनेंस के टाइप हैं सस्टेनेबल फाइनेंस के थैंक यू फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बुक फ्रीली अवेलेबल वेल, है आई एस सेल्फ स्टडी डॉट कॉम वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू फ्रेंड्स